लोकसभा उपचुनाव के रण के लिए सत्ताधारी दल भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए ये परीक्षा सियासी परीक्षा भी है। ऐसे में दोनों बड़े धुरंधर विधानसभा सीट पर जाकर ही धरातल को टटोल रहे हैं। हालांकि पिछले 10 साल के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो भाजपा के लिए उपचुनाव टेढ़ी खीर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी ने 6 उपचुनाव वाली सीटों पर जीत का सिक्सर मारने का दम भरा है। पेश है एक रिपोर्ट, उपचुनाव में मिथक तोड़ मिसाल कायम कर पाएगी भाजपा, देखिए ये खास रिपोर्ट। मरुधरा में विधानसभा उपचुनावों के रण को जीतने के सियासी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश में 6 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल जीत के समीकरण अपने पक्ष में करने का जद्दोजहद में अभी से लग गए हैं। उपचुनाव नतीजे यूं तो सभी के लिए खास रहेंगे, लेकिन भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की इसे पहली सियासी परीक्षा भी माना जा रहा है, और यही कारण है कि दोनों ने उपचुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। अध्यक्ष राठौड़ और प्रभारी उपचुनाव वाली सीट पर संगठन की मौजूदा स्थिति की नब्ज टटोलने के लिए फील्ड में उतर गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की माने तो सरकार की योजनाओं को घर घर ले जाकर जीत हासिल करेंगे। राजस्थान सरकार के बजट और केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी योजनाओं को लेकर के हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचेगा। प्रत्येक घर से हम संपर्क करने वाले हैं, वहाँ उस क्षेत्र में हमने क्या दिया है, क्या किया है, क्या करने वाले हैं, वो सारी सूचना प्रत्येक नागरिक तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। भाजपा ने दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर नब्ज टटोलने का काम किया है। अब बाकी सीटों पर लगातार पार्टी संवाद कर रही है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी टिकट दावेदारों के साथ ही स्थानीय नेताओं, समाज प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर सियासी मिजाज नापने की कोशिश की। इस कवायद में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल सीटों के जीत को लेकर संतुष्ट होने के बाद ही रिपोर्ट तैयार कर अलकमान को भेजेंगे। उपचुनावों में सलुम्बर को छोड़कर सभी 5 सीट पर भाजपा के लिए रहा आसान नहीं है। इन सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राजस्थान में तो पहले से ही है, हम लोग इसको और इसकी जड़ों को मजबूत करें। हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो जब भी चुनाव आएगा हम ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे, और हम आपसे इतना ही वादा कर सकते हैं कि 6 सीट बची है उपचुनाव के लिए, तो हम 7 तो जीत नहीं सकते। उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर बीते 10 साल में हुए उपचुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो 17 चुनावों में से महज 3 चुनाव ही जीत सकी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी चुनौतियों का पहाड़ छोटा नहीं है। राजस्थान में 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर अपना धरातल मजबूत करने के लिए उतर गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बात करें या फिर प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की, हर सीट पर पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और वहाँ पर प्रत्याशी से लेकर जीत के समीकरण भी टटोल रहे हैं। हालांकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो बीजेपी का चाहे सत्ता रही है या फिर सत्ता के बाहर रही है, उपचुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़कर एक मिसाल कायम कर पाएगी। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जनटीनू, जयपुर।